off normal. Here we have a majestic lift off of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि इंडिया स्पेस मिशन का एक हिस्सा है। इससे पहले भी दो मिशन किए जा चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, जो किसी वजूहात की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। 14 जुलाई 2023 के अंदर एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम चंद्रयान 3 रखा गया, और इस मिशन में काफी कामयाबी हासिल करने के इम्कान है, क्योंकि इससे पहले दो मिशन जो किए गए थे उनमें जो नाकामियां हुई उसको इन्होंने अपनी फहरिस्त में रखा है और उन नाकामियों को अब ये इग्नोर करते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। यहाँ सवाल उठता है कि इंडिया बार बार कोशिश क्यों कर रहा है चांद पर पहुंचने के लिए। इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो अपना जो खलाई गाड़ी है वो जनूबी कुतब तक पहुंच जाए, तो इंडिया पहला मुल्क होगा जो ये करने में कामयाब हो जाएगा। चांद के जनूबी कुतब पर कतह सतह जो उसका रकबा है काफी पेचीदा है, काफी बड़े गढ़े और ढलवान है, कुछ गढ़ों में तो अरबों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, लिहाजा वहाँ का दर्जा हरारत -203 है, जिसकी वजह से वहाँ आलात को चलाना काफी पेचीदा अमल होगा। यही वजह है कि अभी तक चांद पर जाने वाले खलाई मिशन चांद की वसत के करीब लैंड होते हैं, जहाँ कतई सतह मुश्किल नहीं है और दर्जा हरारत काम करने के लिए ठीक है। इंडियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक इन्होंने ये मिशन इस तरह से बनाया है कि नाकामी के इम्कान बहुत कम हैं। इनके मुताबिक जो चंद्रयान 2 डिजाइन किया गया था वो कामयाबी के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नाकामी से बचा जा सके। स्पेस एजेंसी का कहना है कितना ही गलत हो सकता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, और ये सब कुछ हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है इनको किस तरह से हमने हैंडल करना है। आखिर इंडिया चांद पर जाना ही क्यों चाहता है और ऐसे इलाके की तरफ क्यों जाना चाहता है जहाँ पर कोई रोशनी नहीं है। इंडिया के चांद पर पहले मिशन चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के मौजूदगी के बारे में बताया था। इसकी लागत 7.90 करोड़ डॉलर थी। मुस्तकबिल के मिशंस की अगर कामयाबी के लिए ये जानना बहुत मुफीद हो गया है कि पानी कैसा है और कहाँ है। पानी के जखायर के गिर्द आबादकारी की हिकमत अमली भी बन सकती है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो चांद की सतह पर जो मौजूद मिट्टी है, पत्थर है, इनकी तहकीक करके हम निजाम शमसी के वजूद के सवाल के जवाब भी ढूंढ सकते हैं। इंडिया के दूसरे चांद मिशन की लागत जो के दुगनी थी, चंद्रयान 2 पर 14 करोड़ डॉलर लगे थे। इसकी लॉन्च साल 2019 में की गई थी, लेकिन ये रोवर को जो खलाई मशीन है उसको चांद तक ना पहुंचा सका। इंडिया इस बार चंद्रयान 3 पर 8 करोड़ डॉलर का खर्चा कर रहा है इस उम्मीद से कि रोवर चांद पर पहुंचकर साइंसी तजर्बात करेगा। इस पिछली दो दहाइयों से इंडियन स्पेस प्रोग्राम में काफी तब्दीली आई है और कम खर्चे पर स्पेस मिशन करने की वजह से इसे आलमी शोहरत भी मिली है। 2018 में जब इंडिया ने एक रॉकेट के जरिए 104 सैटेलाइट्स को खला में भेजा तो एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इस वजह से इनका कहना है कि इनके इंजीनियर जो साइंसदानों को इसका तजर्बा हासिल है कि वो एक ही वक्त में 104 सैटेलाइट्स को बगैर किसी गलती के मदारों के गिर्द पहुंचा सकते हैं। हर कोई जमीन के करीब मदार में इस किस्म का नफीस काम नहीं कर सकता जिस तरह से एक ही वक्त में इतने ज्यादा सैटेलाइट्स को भेजा गया है। इंडिया ने एक ऐसा मिशन भी किया है जो मरीख तक पहुंचा था और उसकी लागत भी 7.50 करोड़ डॉलर आई थी, जो कि नासा के मार्स मिशन से इसकी लागत का 10वां हिस्सा था। जो नासा ने मिशन किया उसकी लागत तकरीबन 48.50 करोड़ डॉलर बनी थी और उसको खला तक पहुंचाने के लिए ही 18.70 करोड़ लग गए थे, लेकिन ये सारा काम जो इंडिया ने किया था वो सिर्फ 7.50 करोड़ के अंदर अपना जो मिशन मंगलयान है उसको कम्प्लीट कर लिया था। इंडिया के तमाम खलाई मिशन की ये खासियत रही है कि ये मुकामी सतह पर तैयार करते हैं और काबिल तजदीद चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। माजी के मिशन के बरक्स चंद्रयान 3 में मदार में रहने वाले सैटेलाइट शामिल नहीं। इस मिशन के लिए चंद्रयान 2 के सैटेलाइट का इस्तेमाल होगा जो रूअर लैंडर यानी खलाई गाड़ी और कंट्रोल रूम के दरमियान रब्ता कायम करेगी। इंडिया कम ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करके इन मिशन पर आने वाली लागत को कम करता है। इंडिया खलाई जहाज को चांद के मदार तक पहुँचाने के लिए चांद की कशिश शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे इस मिशन में इनको चांद तक पहुंचने के लिए 29 दिन तक लगते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा बचत वाला तरीका है। और इस तरह का जो तरीका है वो इसराइल भी इस्तेमाल कर चुका है कि उसकी कशिश शक्ल का इस्तेमाल करके सैटेलाइट्स को भेजा जाए और फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। 2019 में इसराइल ने भी अपना जो मिशन लॉन्च किया था उसकी बचत भी इसी तरीके से इन्होंने हासिल की थी। इंडिया के खलाई प्रोग्राम का बजट $2.5 अरब है, जहाँ जिद्दत सबसे अहम है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ताकतवर ममालिक में से इंडिया
बेहतरीन अंदाज में नए ख्यालात को आजमाता है। चंद्रयान 2 की मिसाल ही ले लें, जिसमें साइंसदानों ने ऑर्बिटल मैकेनिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए ईंधन की खपत को कम से कम रखी और चंद दिनों के बजाय 48 रोज के बाद पहुंचे। और इसी तरह से देखना होगा कि चंद्रयान 3 को अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन चाहिए होंगे और फिर इसके बाद क्या रिजल्ट्स निकलते हैं और कहां तक इसको कामयाबी मिलती है, इसका रहेगा इंतजार। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।